स्टारी नाइट चैप्टर 4। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यिंग लिंगये के पास में पैसा मांगने के लिए जाता है और लिंगये बोलता है, तुम्हारी कीमत मैं तुम्हें देखने के बाद ही बताऊंगा। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिंगये बोलता है, ये सब साफ करो, और तस्वीर की ओर इशारा करता है। चीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है, और वो सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लिंगये बोलता है, अपने कपड़े उतारो। चीजिंग अभी भी कन्फ्यूजन में खड़ा हुआ होता है। लिंगये बोलता है, तुम जा सकते हो अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। चीजिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शर्ट निकाल देता है और फिर अपनी टी शर्ट निकाल देता है। लिंगये उसकी ओर देख रहा होता है। चीजिंग बोलता है, क्या इतना चलेगा? लिंगये चीजिंग की ओर देख रहा होता है और उससे बोलता है, कंटिन्यू करो। ये सुनकर चीजिंग लिंगये की ओर देखने लगता है। लिंगये बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजिंग सोचने लगता है, क्या सच में ये करना चाहता हूँ मैं? क्या मुझे इस बात पर चलना पड़ेगा? लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और वो अपने डॉग के बारे में सोचने लगता है और सोचते हुए ही वो अपना पैंट निकाल देता है और लिंगये उसकी ओर देख रहा होता है। तभी उसकी जेब से उसका वॉलेट गिर जाता है और जैसे ही वो उसको उठाने वाला होता है, उसका वॉलेट लिंगये के सामने ओपन हो जाता है, जिसमें कि लिंगये दिखने लगता है और उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जो कि बचपन के चीजिंग और उसके भाई ये की थी। लिंगये वो फ़ोटो देखकर चौंक जाता है। चीजिंग जल्दी से अपने पर्स को उठाने के लिए नीचे झुकता है और तभी लिंगये भी झुकता है। दोनों के सर एक साथ टकराते हैं और लिंगये के मुंह से निकलता है, मेरे भाई। नेक्स्ट चैप्टर। चीजिंग बोलता है, क्या कहा अभी तुमने? लिंगये पीछे की ओर होता है और बोलता है, ये जो पिक्चर में है, क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है? और वो अपनी उंगली अपने होठों पर रख लेता है और चीजिंग की ओर देखने लगता है। लिंगये उसको देख रहा होता है और चीजिंग फोटो की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ। लिंगये बोलता है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं पैसे तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में दे दूंगा। ये सुनकर चीजिंग बोलता है, थैंक यू। और लिंगये बोलता है, एक साल के लिए तुम्हारी बॉडी मेरी हुई। और लिंगये चीजिंग की ओर देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। चीजिंग बोलता है, ठीक है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और अंकल जॉन्ग आकर बोलते हैं, मास्टर बहुत लेट हो चुका है, क्या आपने अपना दूध ख़त्म कर लिया? अगर वो ठंडा हो गया है तो मैं उसको गर्म कर देता हूँ। लिंगये दूध की ओर देखता है और दूध के ग्लास को उठाता है और चीजिंग की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें चाहिए ये? चीजिंग बोलता है, मैं नहीं, धन्यवाद। लिंगये बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है अंकल जॉन्ग, मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया है। और वो उस दूध को बगल में रखे गमले में डाल देता है। ये चीज़ देखकर चीजिंग चौंक जाता है और वो उसको देख रहा होता है। तभी चीजिंग बाहर आता है और उसे एक इंसान मिलता है जो कि उसे बोलता है, इस तरफ चलिए सर। और चीजिंग बोलता है, नहीं, मैं चलकर चला जाऊंगा। तभी ड्राइवर बोलता है, प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाइए। चीजिंग गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। लिंगये उसको जाते हुए खिड़की से देख रहा होता है। चीजिंग हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके डॉग का ऑपरेशन स्टार्ट होता है और वो चेयर पर बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी एक इंसान आता है और उसको बोलता है, मिस्टर ची, ये हमारे मास्टर ने आपको दिया है। और वो फ़ोन देते हुए चीजिंग को बोलता है,
चीजिंग बोलता है, एक फोन, मैं इसे नहीं ले सकता। वो शख्स बोलता है, मैं सिर्फ इसे यहाँ देने के लिए आया हूँ, आप इसे ले लीजिए प्लीज। और वो फोन चीजिंग को पकड़ा कर चला जाता है। चीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, वो सोच रहा होता है लिंग ये, और वो सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है उसकी वो आंखें कितनी जादुई हैं, जिनको देखकर लगता है मैं उनमें बहता ही जा रहा हूँ। मुझे लगता है उन आंखों को देखकर मेरा कंट्रोल खो जाता है और मैं उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता हूँ। और वो लिंगये के बारे में सोच रहा होता है, मेरे अंदर उसका विरोध करने की शक्ति नहीं है और ना ही मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ा, लेकिन मैं अपना पैंट उतारने ही वाला था। क्या अब ऐसा ही होगा हर बार? क्या मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा? मुझे वो जाना हुआ सा लगता है, पर न जाने क्यों। और वो अपने भाई के बारे में सोचने लगता है, जिसमें कि उसका भाई बोलता है, जिंग क्या तुम्हें ये चाहिए? और वो चीजिंग को दूध का डिब्बा दिखाकर बोल रहा होता है। चीजिंग बोलता है, ये तो तुम्हारे स्कूल का लंच है, सही कहा ना मैंने? और तुमने इसको पिया क्यों नहीं? तुम्हें तो दूध पीना बहुत ही पसंद है ना? ये बोलता है, हाँ ये नया फ्लेवर है, चॉकलेट मिल्क है, मैं चाहता था कि तुम इसको ट्राई करो, ये लो पियो इसे। और वो अपना दूध का डिब्बा चीजिंग को देते हुए बोलता है और स्माइल करता है। और यही सोचते हुए उसे लिंगये की याद आती है, जब उसने दूध को गमले में फेंक दिया था और अंकल जॉन को बोल दिया था मैंने उसे ख़त्म कर लिया है। और चीजिंग बोलता है, मैं उसको ये से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है गाड़ी लौट कर आती है और लिंगये गाड़ी की ओर देख रहा होता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो सोचने लगता है और उसके मुंह से निकलता है चीजिंग। दूसरे दिन सुबह होती है और लिंगये अपनी नोटबुक पर कुछ ड्राइंग ड्रॉ कर रहा होता है, जिसमें कि वो एक वर्ड की फ़ोटो बनाता है। तभी अंकल जॉन्ग आते हैं और बोलते हैं, मास्टर मैंने अगले सप्ते के लिए बुकिंग कर दी है रिहैबिलिटेशन सेंटर की। मास्टर क्या आपको अपने पैरों में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है? लेकिन ये अंकल जॉन की ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता। अंकल जॉन सोचते हैं कितना समय हो गया एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लिंग ये गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अंकल जॉन क्या और कुछ है कहने के लिए? अगर नहीं है तो जरा जाकर उस बुक को ले आइए जिसको मैं अभी खरीद के लाया था। अंकल जॉन बोलते हैं, ओके मास्टर। वैसे मैं सोच रहा था मास्टर, क्या चीजिंग रियली वापस आएगा? और आपको ये कैसे पता था कि वो सच में आएगा? देखो ना, वो सच में आ गया। लिंग ये सर्विस एग्रीमेंट की ओर देखता है और सोचने लगता है और बोलता है, लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे और कुछ भी करते हैं। और अंकल जॉन वहाँ से चले जाते हैं और लिंग ये फूलों की ओर देखता है और सोचने लगता है। और उसे चीजिंग के वही मोमेंट याद आते हैं जब उसको पहली बार देखा था और दोनों एक साथ गिरे थे, और उस रात का सीन जब चीजिंग अपने कपड़े उतार रहा था और लिंगये के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और लिंगये बोलता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं हमेशा उसे ही ड्रॉ क्यों करता हूँ, वो बस एक लूज़र है, मैं उससे जल्दी ही परेशान हो जाऊँगा, एक साल से पहले ही। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।